टॉक। ना 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 ना, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, और उसके कई सारे रीजंस भी हैं, वो भी वैलिड रीजंस हैं कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग कोई मास्टरपीस नहीं है। इनका एकेडमी अपर्चर वाला एस्पेक्ट रेशियो, कलर सिलेक्शन, म्यूजिक, रीएडिट सीन्स, एक्सटेंसिव बैटल सीक्वेंसेस, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड डायलॉग सीन्स कहानी को लंबा तो बनाते हैं मगर बोर नहीं करते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक मास्टरपीस हो गई। अपनी पिछली जस्टिस लीग से तो अच्छी ही थी, मगर इसके भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और उन ड्रॉबैक्स का पूरा जिम्मेदारी यह पिक्चर है, जॉश वेडन की एडिट हुई जस्टिस लीग। क्योंकि सबसे पहली बात हम इसके विजुअल स्टोरी लाइन की ही कर लेते हैं, हर एक सुपर हीरो असेंबल मूवी की बेसिक सी कहानी दुनिया को बचाना होता है, इतनी जानकारी तो हमें कहानी देखने से पहले ही पता होती है। लेकिन उस स्टोरी लाइन को दिखाया किस तरह से जाएगा वो हम देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि जब मैंने 2017 की जस्टिस लीग सबसे पहली बार देखी थी तो मेरा एक्सपीरियंस इस पिक्चर को लेकर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन इस मूवी के भी अपने कुछ इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मोमेंट्स हैं जैक स्नाइडर के बदौलत, जैसे कि सुपरमैन का रीबर्थ वाला सीन, हमने 2017 के इसके एक्सटेंसिव ट्रेलर में तो इसको देख ही लिया था, मगर ये जिंदा होगा कैसे वो बात इंटरेस्टिंग थी। हम उस समय नहीं पता था कि सुपरमैन जिंदा होने के बाद लीग पे ही हमला करना चालू कर देगा, लड़ते लड़ते फ्लैश की स्पीड तक को मैच कर लेगा। वो मोमेंट कसम से अमेजिंग था, मुझे आज भी याद है कि पूरा थिएटर चिल्ला रहा था इस मोमेंट पे। और ये सब क्वालिटी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में लैक करती है, मगर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनका ये विजन कहानी को लेकर सही था कि वो ऐसे ही चीजों को दिखाना चाहते थे जैसे उन्होंने डायरेक्ट किया था, मगर वो लम्हा सही ना होने के कारण हमें पूरी कहानी ही स्पॉइल हो गई विजुअल तरीके से, जो कि बहुत ही बड़ा की फैक्टर होता किसी भी सुपर हीरो मूवी में। क्योंकि 2017 में हम विजुअल तरीके से काफी कुछ कहानी को जान चुके थे, तो इस बार वही सारी चीजें देख के कुछ ज्यादा फील नहीं हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया को ये सब बचाएंगे, मगर कैसे बचाएंगे यह बात जरूरी है, और वो भी हमें 2017 की जस्टिस लीग के बदौलत सब पता था। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देख के अच्छा तो लगा कि भाई ये कहानी का रियल एक्सपीरियंस है जिस तरह से वो दिखाना चाहते थे, और ऑनेस्टली ये अपने 2017 की जस्टिस लीग के मुकाबले अच्छी है, मगर स्पॉइल हो चुकी है। कहीं ना कहीं कहानी देखते समय दिल में वो गिला शिकवा थी कि हमें पहले से ही पता है कि स्टेपनवुल्फ कैसे मदर बॉक्सेस को इकट्ठा कर लेगा, लीग कैसे सुपरमैन को जिंदा कर पाएगी, सुपरमैन जिंदा होने के बाद बौरा जाएगा, फिर लुई से उसे शांत कर पाएगी। पूरी लीग का अंडरग्राउंड फाइट सीक्वेंस और मोटिव भी पता था, पूरी जस्टिस लीग एक साथ कैसे शामिल होती है वो भी रफ स्केच पता था कि क्या चीज उन्हें एक साथ करती है धरती को बचाने के लिए। क्लाइमैक्स में पूरी लीग सुपरमैन के बिना ही लड़ने चली जाएगी, फिर सुपरमैन आएगा सिचुएशंस हैंडल करने के लिए। मतलब हमारा समझने का तरीका ये है कि काफी ज्यादा विजुअल स्टोरी लाइन पता होने के कारण पूरा फ्रेश एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो हम किसी भी नई पिक्चर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। मगर जैसे इंटरनेट पे एक बात छिड़ गई थी कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक मास्टरपीस है, जो कि मैं नहीं मानता, क्योंकि किसी भी पिक्चर को मास्टरपीस होने के लिए इन तीन चीजों में से एक चीज होना मेरे ख्याल से जरूरी है। चाहे वो अपने काम से पूरी दुनिया के सिनेमा को इन्फ्लुएंस करे, चाहे वो पूरी दुनिया के हैवीली कल्चर्स पे इंपैक्ट डाले, या फिर वो लोगों पे पर्सनल इंपैक्ट डाले। अब देखो, इधर मैं पूरा डीप में नहीं समझाऊंगा कि किसी पिक्चर को मास्टरपीस क्या चीज बनाती है, मगर ये बात तो ऊपर ऊपर से समझ में आती है कि सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस होता क्या है। सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस का मतलब कि जैसे पिक्चर बन रही है उसको लेकर उसका पूरा तरीका ही इन्फ्लुएंस कर दे, लोग और भी बेहतर तरीके से दुनिया के सिनेमा को अब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हों। कल्चरल इम्पैक्ट्स का मतलब ये है कि किसी भी पिक्चर की कहानियां, कैरेक्टर्स, गोल, दुनिया के अलग अलग कस्टम, बिलीफ और लोगों और उनके सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करे कलेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल स्टार वॉर्स मूवीज, इन मूवीज का कल्चरल इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि लोगों ने लिटरली अपना रिलीजन चेंज करके जेडाई रख लिया, और करीबन दुनिया में 48,000 प्लस लोग जेडाइज्म को फॉलो करते हैं। ये है कल्चरल इम्पैक्ट। मगर ये सारी बातें तो हो गई एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की। सबसे बड़ा और तीसरा पॉइंट तब आता है अपना पर्सनल इम्पैक्ट, और ये पॉइंट थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो जाता है क्योंकि इस इम्पैक्ट को स्पेसिफिकली मेजर नहीं किया जा सकता, लोग और उनकी पसंद नापसंद कॉम्प्लिकेटेड होती है। मगर मेरे ख्याल से जो पिक्चर आपके दिल को छू जाए, आप उस कहानी से स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाए, कहानी अपनी स्टोरी के थ्रू आपकी रियलिटी को एक्सपीरियंस कराए, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेस होती हैं। जैसे कि मेरी जिंदगी को बदल दिया व्हिप्लैश मूवी ने। हम सक्सेस को तो सिनेमा में देखते हैं, मगर हार्ड वर्क और हार्श लोनलीनेस का क्या? वो रात जब आपके पास कोई नहीं होता मगर फिर भी आप रगड़ के मेहनत कर रहे हो, न खाने का ठिकाना न सोने का, चाहे हाथ छिल जाए या पसीने से भीगी क्यों ना जाओ, मगर मेहनत करना नहीं छोड़ता आदमी।
अब खैर विप्लैश के ऊपर तो मैं काफी कुछ कह सकता हूँ, उसे काफी सारे मतलब है, मगर हम सब के लिए कोई ना कोई एक स्पेशल सी मूवी तो होती ही है जो आपके दिल के गहराइयों में उतर के आपको छू दे और आपको अपनी जिंदगी और अपनी चाहत को देखने सोचने समझने का नजरिया ही बदल दे। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग अच्छी है, एकदम ही नई पिक्चर है, एकदम कंप्लीटली दूसरी तरीके से, जिसे मैं बार बार देखना पसंद करूंगा, मगर मैं इसे एक मास्टरपीस नहीं कहता। ये पिक्चर में भी मास्टरपीस हो सकती थी अगर हमने 2017 वाली जस्टिस लीग बकचोदी ना देखी होती तो, क्योंकि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में भी बहुत ही लंबे और खूबसूरत विजुअल शॉट्स हैं जिसे मैं देख के तो कहीं कहीं खो चुका था। और मेरा पर्सनली बैरी का ये टाइम ट्रेवल वाला सीन बहुत मुझे अच्छा लगा, उसका शरीर उसका साथ देना छोड़ चुका था, रोने की कगार पे था, मगर फिर भी अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता रहता है। इस पिक्चर को देख के ऐसा फील नहीं होता कि सुपरमैन ने दुनिया को बचाया जैसे वेडन ने हमें दिखाया था। स्नाइडर कट को देख के लगता है कि हाँ, पूरी जस्टिस लीग ने मिल के दुनिया को बचाया, मगर फिर भी हम ओरिजिनल डायरेक्टर की इसमें कोई गलती नहीं दे सकते, उनकी जगह पे अगर कोई भी होता तो काम नहीं कर पाता। मगर अपना एक्सपीरियंस खराब करने के लिए स्टूडियो और अपने वेडन ही जिम्मेदार है, जिसमें मैं कोई शक बिलीव नहीं करता कि उन्होंने हमें यह बकचोदी परोसी। मगर भाई लोग, लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है, स्नाइडर वर्स को भी अभी रिस्टोर करना है और हम सब कराएंगे, डिमांड में लाएंगे। और इन सब बातों के बाद भी आप इस पिक्चर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं, या फिर अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है जो मैंने मिस कर दिया हो तो वो भी बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आए तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए PJ Explained।